जितने भी बिहेली भाई हैं उनको गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आयुष्मान भारत और डीजीपी दोनों में ही मोर्फो कैसे यूज करते हैं। दोनों ही आसानी तरीका से मोर्फो यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादा ना बोलते हुए आइए हम आप लोगों को बताएं कि आयुष्मान भारत और डीजीपी में मोर्फो कैसे यूज करते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। देखो, ये रहा हम लोगों का लैपटॉप, हमने देखो। अब हम इससे पहले ऑन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑन कैसे होता है, कुछ देर वेट करेंगे। कुछ देर वेट करते हैं, विंडो स्टार्ट होने में कुछ समय लगती है। मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं पकाऊंगा, बस सीधे टॉपिक पे आऊंगा। हाँ, ये हमारे विंडो स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका है। तो चलिए इसमें अब हम जाते हैं। इसे हम ओके करेंगे। इसे हम ओके करते हैं, इसे भी ओके करते हैं। ओके करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। डीजीपी खोल के देखते हैं। ये हमारा डीजीपी रन हो रहा है, देखते हैं चलता है या नहीं चलता है। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा डीजीपी खुल गया। अब इसमें हम अपना आईडी डालेंगे। फिंगर डालेंगे दोस्तों, ये देखिए ये लोकेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डीजीपी खुल चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। अब ये काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, छोटा सा सेटिंग था। इसको मैं अब क्लोज कर दूंगा। और वो सेटिंग क्या था दोस्तों, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। माय कंप्यूटर में जाना है, माय कंप्यूटर में सी ड्राइव में जाना है। इसमें मोर्फो आईडी सर्विस ओके करना है। यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कन्फिंग सेटिंग में जाना है। इसमें जाना है दोस्तों, इसको खोलना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक लिखा है उसे जीरो कर देना है दोस्तों, और कंट्रोल एस दबा देना है, इसको हटा देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं, गूगल क्रोम खोलते हैं, यहाँ पे लॉगिन करते हैं सीएससी। ये आ गया, इसमें अपना आधार नंबर कैप्चर करना है। यहाँ पे कंफर्म प्रोसीड करना है। यहाँ पे टिक लगाना है दोस्तों, यहाँ पे
स्टार्ट कैप्चर करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मॉर्फो काम कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम चिकन कर सकते हैं। वेट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं सर्वर प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा सा लेट हो रहा दोस्तों। आपने देखा कि आयुष्मान भारत में मॉर्फो डिवाइस काम कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं इसी तरह आप लोगों को नई नई ट्रिक बताता रहूँगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा दोस्तों।